चिनार खान का सबसे बड़ा फैन खुद फैसल कुरैशी। जब दिनों से जब से खई शुरू हुआ है मुझे फैसल इतना खुश लग रहा है। एक ड्रीम कैरेक्टर होगा जो अभी तक शायद फैसल ने ना किया, और ये वो कैरेक्टर है जो उसको मिल गया। सारा मेरी जिंदगी का काम एक तरफ, और ये कोई एक्टर नहीं होगा जो इसको ना करना चाहे, उसकी ड्रीम होगी। क्या ये सीक्वेंस ऐसा बना था, फैसल बताया था कि लगा था 2-3 दिन शायद लगे शूट होने में, 1.5 घंटे में डन। सब हमारी मोहब्बत की वजह से मारे गए। छोड़ो तुम, हमें ना सिखाओ मोहब्बत क्या है, तुम अभी बच्चा है। जमदा तुम बड़ा जालिम है। आखिर में फिर जो बोलने लगता है, शी इज लाइक टू मच ठग। खई हैज बीन प्लेइंग ऑन माय माइंड। और गाने की ओएसटी की बात कर रहे थे, ज़ेब वाज इन स्कूल विद मी और जेब बड़ी अच्छा गाना गाती थी, तो मुझे भी गाने गाने का बहुत शौक है। हम लोग साथ खड़े हुए गाने गा रहे हैं ना, मेरे पास इतनी पिक्चर्स हैं और वो इतनी खूबसूरत एक्सप्रेशंस के साथ, और मैं अपना टह 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 और गाने हम उस वक्त गा रहे हैं, नदी नाले ना जाओ शाम पैया पढ़ूँ सूए बचीरे वाली लट्ठी की चादर। हाँ ये गाने गा रहे हैं ना उधर खड़े हुए, तो इसकी वाकई उस वक्त भी आवाज़ बड़ी प्यारी होती थी सारा, और मुझे लगता था कि शायद मैं तो सबसे अच्छा गा रही हूँ, सबसे बुरा गा रही होती थी। बट मुझे वो ज़ेब भी याद है, और अभी भी मैं जब उसको देखती हूँ माशाल्लाह, आई एम सो प्राउड ऑफ अ पिंडी गर्ल। और बहुत कमाल ओएसटी। लेकिन आप ये देखिए ना कि ओएसटी तो बन गया, कितना इस्तेमाल करना है, किस सीन पे कौन सा वाला, और उसके कितने सारे उनके पास वर्ड्स थे, 2 जुमले नहीं रिकॉर्ड किए थे कि वही चल रहे हैं, तो बहुत सारी वेरिएशन थी, और सही टाइम पे वही जुमला लगा देते थे, नफरत ये 2 कबीलों की सारा आके, बहुत खूबसूरत। तो द वे इट वॉज यूज, द वे इट वॉज मेड, और ये ओएसटी एक गाना नहीं था जो मशहूर हो गया और उन्होंने खरीद के लगा दिया, ये बना इसके लिए। इसलिए इसके अंदर एक सोल थी जो हमें, और मुझे लगता है ओएसटी के बगैर तो भी ड्रामा अधूरा है, और हम इसमें बड़े मास्टर हैं। चैनल और इनका थैंक यू कि इन्होंने ड्रामा ज़्यादा ख़राब नहीं किया। 2 एपिसोड्स थे, 5 मिनट का कॉन्टेंट था जिसको एपिसोड बनाया, बट अदर देन दैट स्टोरी को ख़राब नहीं होने दिया ये ड्रामा शुरू से आखिर तक। वरना तेरे बिन ने भी हमें दुख दिया, इश मुर्शिद भी दुख दे रहा है कि एक ड्रामे से मोहब्बत होगी, कनेक्ट हो गई, लेकिन फिर उसके बाद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप कहते हैं यार ड्रामा ख़राब हो रहा है। खई में नेवर नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि आप क्या यार ड्रामा ख़राब कर दिया। ये कमाल है कि इसमें कितना स्टेबिलिटी थी, स्टेबल रहा है ड्रामा, और डायरेक्टर बॉस रहा है थ्रू आउट। और फिर हम फैसल से भी बातें कर रहे थे तो कुछ बड़े मज़े की बातें पता चली। मैं उसे कहा ये मुंह में जो ब्लड था ये कैसा होता है, कोई कैप्सूल होता है, कैचअप होता है, हम तो कैचअप ही समझते ना चीज को, ऐसा नहीं था। तो वो उसने बातें बताई, एंड देन और वो ड्रिंकेबल कुछ होता है, हैज टू बी एडिबल बट वेरी बैड, हैज टू बी। मुझे जो अच्छा लगा ना कि फैसल ने इतना नेचुरल उसको अपने मुंह में रख के कितना स्पिट करना है, कितना रखना है, कितना पी जाना है, कितना बाहर फेंकना है, वाह 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 व्हाट अ बैलेंस। जैसे चिनार खान पहले जहर पीता रहा उसे पता है, डायरेक्टर को एग्जैक्टली शॉट्स का पता था, ये मैंने ऐसे इतना लेके ओके जी खत्म, कहता 1.5 घंटे में हो गया, पता भी नहीं चला हालांकि कितना मुश्किल सीक्वेंस था। तो डायरेक्टर इसका बहुत बड़ा हीरो है, एंड वेल डन फॉर गेटिंग सच एन अमेजिंग कास्ट टुगेदर। खालिद भट्ट साहब का एक हमारा ये भी हिस्टोरिकल चीज़ है कि माशाल्लाह इतनी तकलीफ में ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने इतना मुश्किल कैरेक्टर और इतनी दुनिया के दूसरे कोने में जाना बाय एयर बाय कार आवर्स एंड आवर्स। तो ये ड्रामा याद रहेगा, ये ड्रामा याद रहेगा लोगों को सालों, फॉर मेनी रीजंस, नॉट वन, फॉर मेनी मेनी रीजंस। ट्रू, ऐसे मैं कहती हूँ फ्यूनरल्स, ऐसी फौतगियाँ, अल्लाह माफी। इतना डार्क ड्रामा मैंने पाकिस्तान की ड्रामा हिस्ट्री में नहीं देखा। और दूसरा और अगर एंडिंग की बात करें, हर एक अपना खून खराब बट अमेजिंग, और इतना बुरा विलन जिससे प्यार हो जाता है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो कि मेरा दिल कर ना मरे। और अगर एंडिंग की बात की जाए, 10,000 और हो सकती हैं ऑप्शंस, फॉर मी दिस वाज बेस्ट एंडिंग। और मुझे आखिरी वाला कि जो मेरे लिए बेस्ट था, वो जो उसको गाड़ी में नजर आया और वो कह रहा है तुम झूठ बोलते थे कि तुम उसे नफरत करती हो, नहीं आई लव दैट। सबा फैसल से मेरी बात हुई, कहती हैं मैं कुछ भी ड्रामे में कर लूँ मैं कब्र में नहीं उतर सकती। कहती एक जगह मुझे था कि आप कब्र में, कहते ना कब्र वाला सीन भी मैंने करना, जो करा लो कब्र में मुझे मत उतारना। वाकई बड़े गटशाही होते हैं कि आप इस तरह गिरना ये वो, और लास्ट तो लेटा है कब्र में, उससे पहले भी जो फर्स्ट हुआ था उसमें भी सारे लोग लेटे थे कब्र में। मैं कमाल है मेरे लिए इसकी इस ड्रामे की राइटिंग ऑनेस्टली, और ये ड्रामा हिट होना इतना ज़रूरी था, द
ताकि वो जो चैनल से लोग समझते हैं ना कि नहीं जी औरतें ये नहीं देखना चाहती, ऑडियंस ये नहीं देखना चाहती, सास बहू के ड्रामे, खाला के बेटे के, मामू के बच्चे के साथ, हमारी ऑडियंस तो यही चाहती है, ऐसा नहीं है। काबली पुलाव हिट हुआ, ये हिट हुआ, और अभी जो ड्रामे सक्सेसफुल हो रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि हमारी ऑडियंस भी स्मार्ट होगी, उनको भी आप अच्छे कॉन्टेंट दिखाएं तो चलेगा, और ये इसलिए चला और इतना अच्छा चला थ्रू आउट। एंड ये जो लास्ट एपिसोड की बात करें जिसकी 11 मिलियन अभी तक व्यूज अभी तक हो गए, आई फील कि आगे जाके और भी होंगे, बहुत सारे लोग अब शायद अब देखना शुरू करें। तो ड्रामा क्लासिक है, मास्टरपीस है, अवार्ड सारे इसी को मिलने हैं, और लाइनें इतनी खूबसूरत आखिर की मुझे बड़ी प्यारी लगी। बहुत बुरा था चनार खान, विलन था, जहर जो मर्जी करते हैं, जालिम था, बट मुझे फिर भी प्यारा लगता था। जब उसके बीवी के साथ सीन्स आते थे जमदा के साथ, यू कांट हेल्प बट लाइक हिम, ही वॉज फनी। तो राइटर ने कुछ एक बड़ी अजीब सी चीज क्रिएट की है कि वरना बुरा है तो बुरा है, जालिम है, क्यों अच्छा लगता। राइटर वाज वेरी स्मार्ट क्योंकि उसमें वो अचानक नहीं मरा, उसे हाँ। पता चला कि वो जिसको मोहब्बत समझ रहे हैं वो मोहब्बत नहीं करती, तो उसके मरने का, जो लोग उसके फैमिली मरे हैं उसका तो ट्रॉमा था ही, फिर उसको ये भी पता जिस लड़की के लिए उसने ये सब कुछ किया वो लड़की भी उससे मोहब्बत नहीं करती, नहीं करती, और ये झूठ बोल रही थी, तो वो वहां पर वो फिर कब्र में गिरता है। उसकी वो बात समझ रहे हैं ना कि जी ये जमदा मोहब्बत करती थी, आपने ये दिखाया, नहीं जमदा मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन वो ये कभी एक्सेप्ट करने को तैयार हाँ। नहीं था। मरने के बाद भी चनार खान ने एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम मुझसे नफरत करती थी, तो बोल रहा है तो फिर क्यों भी मेरे बेटे को ले गई हाँ। बट जमदा का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि आई प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, प्यार वो फिर भी नहीं करती थी हाँ, जमदा प्यार नहीं करती थी, वो चनार खान का चनार करता था। आखिरी सीन ये है जो उसको नजर आ रहा है चनार के यार मरने के बाद भी नहीं, चनार खान की मोहब्बत इतनी थी कि चनार खान को पता है कि उसकी पूरी फैमिली को खई किया इस लड़की ने, इतना उसका इश्क था, लेकिन वो फिर भी इश्क करता और शायद जिंदा होता तो माफ भी कर देता इसको, ऐसा उसका इश्क था इस लड़की के लिए। और दूसरा राइटर चाहता था कि जो कि मुझे लगता है कि चनार की जो लास्ट मेमोरी हो, द लास्ट विजुअल शुड बी ऑफ अ हैप्पी मैन अलाइव, मुझे वो लास्ट सीन याद रहेगा हमेशा, मरने वाला गायब हो गया, वो गाड़ी के साथ जो फैसल खड़ा है चनार खान, मेरा वो याद रहेगा। तो राइटर ने वो लास्ट इमेज अपने विलेन के लिए रखा ऐसा कि वो हीरो बन गया फॉरएवर, बड़ी डीप बात है समझिएगा। इसी पे तो बहस हो रही है, आज मैं किसी और लेवल पे जा रही हूँ, आज कोई भी मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। अनदर ज़ोन हो जाता है ना रमजान में, मेडिटेट नमाज़ें सारा रोज़ा के आपका ना एक जरा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, चार पांच आंखें और निकल आती हैं, तो मुझे समझ आ रहा है बहुत कुछ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नादिया की थर्ड आई खुल गई है, हाँ हाँ ऐसा ऐसा ड्रामे भी मजे के हैं, लाइनें इतनी प्यारी फैसल की आखिर में जो राइटर ने लिखी हैं कि सब हमारी मोहब्बत की वजह से मारे गए, नाउ ही रियलाइजेस के मेरी वजह से मरे, ठीक है ना, छोड़ो तुम हमें ना सिखाओ मोहब्बत क्या है, तुम अभी बच्चा है, प्यारा लग रहा है। और उसने पकड़ी भी ऐसे बच्चे की तरह गन, देन फिर फैसल से जमदा तुम बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है तुम, बहुत प्यारी लाइन है। और आखिर में फिर जो बोलने लगता है, शी इज लाइक टू मच ठज, बीच में डाल दिया उसको, आप पता नहीं आखिरी क्या वो जुमला बोल रहा था, तो डायरेक्टर ने कहा नहीं बोलते हुए मारना है, क्या आप उसके जहन में था कि जुमला, वरना होता कि मेरा हीरो है मेरा विलन पूरी लाइन कर लो लाइन कर लो, नहीं उन्होंने कहा बीच में मारो, पूरा जुमला नहीं होने देना, वो बड़ा यूनिक था भाई। और ये जो उसका हाथ पकड़ के माफी मांगता है और कहता है कि मेरे बेटे को ना वो मासूम है उसको ना मारना, एंड आई थिंक ही बिलीव्स कि शायद नहीं भी मारेगी, बहुत डीप बहुत खूबसूरत। और जमदा ने फुल कन्विक्शन के साथ कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, कौन सी मोहब्बत है, लो फेक रोमांस नंबर्स राइटिंग, तो आई जस्ट याद रहेगा हमेशा ये ड्रामा। थैंक यू सो मच सकलेन फॉर सच अ मास्टरपीस, और ये जरूर याद रखें ड्रामा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि राइटर ने जिस तरह लिखा, जैसे कैरेक्टर बनाए, उसको किसी ने छेड़ा छाड़ी नहीं की और वैसे ही बना है, इसलिए इतना अच्छा है। एंड में तो मैं सबको 10 दूंगी, बेशक मुझसे ना पूछो, सब ठीक है, ये बात है कि ही इज 10, एंड आई एम श्योर कि बहुत दफा उन्होंने सुना होगा कि ये नहीं चलेगा, ये कोई नहीं देखेगा, और एक अपना सुना होगा, बहुत दफा सुना होगा, और ये एग्जांपल है उन लोगों के लिए कि जब आपको आपका पैशन है ना, गो फॉर इट, चाहे कोई आपको ना कहे नहीं होगा ये वो नहीं, जस्ट राइट टाइम होता है ना उसमें चीजें हो जाती हैं, और कितनी मेहनत से बनाया है उन्होंने, एक एक शॉट एक एक फ्रेम हर चीज कमाल कर लिया। वजाहत साहब यू आर जस्ट अमेजिंग, और
अच्छी बात ये ही न्यू एग्जैक्टली कि मुझे जब एक सेट पे आया हूँ मुझे कौन सा शॉट चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए, बस मैं मुझे पता आगे कैसे बन जाएगा. सो एवरीथिंग वाज इन हिज माइंड. एडिट होके ड्रामा बना हुआ था उनके दिमाग में, हर एपिसोड हर सीन. तो इतना प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ऐसे बनता है ड्रामा. और इन्होंने भी दिखाया है, बहुत सारे डायरेक्टर्स जो अपना पैशन लूज कर चुके हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो अब आते हैं ड्रामा साइन करते हैं और दूसरे दिन के बाद उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता. ये उनके लिए भी आया, मोबाइल यूज कर रहे होते हैं और रेडियो को बोला होता है या शॉर्ट बनाओ यार, ठीक है अगला सीन क्या उधर उधर कर लो यार. ये ऐसे डायरेक्टर्स और ऐसे उनके साथ मैंने काम भी किया. मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे डायरेक्टर में पैशन नहीं है, मेरे पे मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. मैंने ये देखा कि बताया उन एक्टर्स ने कि हमारे डायरेक्टर का ऐसा पैशन था कि सब जो थे इन्वॉल्व हुए थे, कास्ट का एक एक बंदा इस ड्रामे में इतना एक्साइटेड था, इन्वॉल्व था. और वो फिर नजर आती है दैट एनर्जी एंड दैट पॉजिटिविटी. तो 10 अमेजिंग, थैंक यू फॉर गिविंग अस खाई. मैं सोच रही थी कि कितने 8-9 लोग मरे हैं फैमिली में और डायरेक्टली जमदा ने उनको नहीं मारा, अपने हाथ से नहीं मारा. हाँ. अपने हाथ से उसने इस फैमिली के सबसे जो बड़े और जो सबसे ताकतवर और जो सबसे डरावनी फैमिली मेंबर्स थे उनको अपने हाथ से मारा है, दो को, बाकियों को मरवाया है हालात से. जिन्होंने इसकी फैमिली, तो चनार खान ने मारा था ना इसकी फैमिली को, एंड द फादर. तो इतना अच्छा प्लान किया हुआ था कि ये जमदा ही मारेगी इन दो लास्ट को. आई हैव टू गिव हर क्रेडिट कि इसने देखे, दिखाई भी एक बच्ची है और वो है भी यंग बच्ची. तो वो जो कहीं कहीं कच्चापन आपको नजर आता है ना, ये वो जरूरी है इस कैरेक्टर के लिए कि उनको कोई दिखानी ऐसी थी कि मासूम नॉर्मल सी बच्ची है, कोई बहुत हाई फाई बहुत बढ़ के एक्सप्रेशन नहीं देते, टू मच नहीं करना, बिल्कुल अंडर रहते हुए कन्फ्यूजन के साथ, इनोसेंस के साथ, दुख के साथ. तो सीन्स बहुत टफ थे. और मैंने लास्ट वाला तो मैंने ये दोनों एपिसोड दोबारा देखे, दो दो दफ़ा देखे. और जमदा का बहुत अमेजिंग काम है. दुरे फिशा वॉज व्हेन आई सी हर इन इश्क मुर्शिद, और यहाँ बहुत अच्छा काम किया उससे. इससे ज़्यादा होता तो शायद ओवर हो जाता. शी वॉज अंडर मेंटेनिंग हर इनोसेंस और द स्ट्रेस, गुस्सा, नफरत सब अपनी जगह. और आई लव्ड हर एक्टिंग इसमें. तो मैं लास्ट टू एपिसोड्स, लास्ट में स्पेशली ये मारने वाले में, जहर देने वाले में बड़ी मैं इम्प्रेस हूँ. बहुत अच्छा बच्ची ने काम किया एंड शी डिजर्व्स अ 10 ऑल्सो. आप सब हैरान होंगे लेकिन चिनार खान का सबसे बड़ा फैन खुद फैसल कुरैशी. ही इज सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू प्ले दिस कैरेक्टर. मैं बहुत मिलती रहती हूँ फैसल से. मुझे कुछ जब दिनों से, जब से खई शुरू हुआ है, मुझे फैसल इतना खुश लग रहा है. ही इज माशाल्लाह माशाल्लाह सो हैप्पी. क्योंकि एक एक्टर का जितने भी उसने हिट्स दिए, लगता है एक ड्रीम कैरेक्टर होगा जो अभी तक शायद फैसल ने ना किया. और ये वो कैरेक्टर है जो उसको मिल गया और उसने कर लिया. एंड नाउ आई थिंक ही फील्स कि यार सारा मेरी जिंदगी का काम एक तरफ और ये, और वो कैरेक्टर जिसको मैं ख्याल दुनिया में भी कोई कैरेक्टर, कोई एक्टर नहीं होगा जो इसको ना करना चाहे, उसकी ड्रीम होगी कि यार ये. सो ही इज वेरी लकी एंड ही इज वेरी हैप्पी. तो सबसे ज्यादा वो खुद एंड इज वेरी टैलेंटेड. हाँ, और ये आपके अंदर एक नई लाइफ डाल देती है एक एक्टर के अंदर, कि जब आपको एक अच्छा कैरेक्टर मिल जाए. वो ड्रामा अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं फैसल ने, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ड्रामा भी अच्छा हो. फैसल को बहुत दफ़ा डिसएडवांटेज रहा है कि डायरेक्टर्स ने इसको बहुत अच्छा कैरेक्टर दे दिया, सामने वाले एक्टर घुस, जिससे ड्रामा इफेक्ट होता है, जिससे आप खुद भी कहते हैं यार बाकियों ने मरवाया, ड्रामे की क्वालिटी वो नहीं थी. तो ये पूरा ड्रामा विच इज़ वेरी रियल कि इतना कमाल था, फैसल की लेवल का था. और डायरेक्टर, राइटर, एक्टर्स, उसको आइडियल इन्वायरमेंट मिला है. और ऐसा जरूरी नहीं कि आप हॉलीवुड में भी काम करने जाएं तो आपको बहुत कोई अच्छी चीज मिले, वहां भी कचरा काम करके आप आ सकते हैं, या बॉलीवुड में भी. बट ही बीइंग राइट हियर गॉट द बेस्ट. ये बहुत अच्छा पॉइंट दादी आपने रेस के, वाकई कि फैसल के साथ ही हुआ है अनफॉर्चूनेटली. अच्छा, कि उनका कैरेक्टर उनके ड्रामे में बड़ा अच्छा होता था, बाकी ड्रामा बहुत फारिग होता था. दो तीन ड्रामा में रिव्यू भी किया, मुझे दुख होता था. ये हो रहा है ये वाकई फैसल कुरैशी के लेवल का ड्रामा और था. ये सबसे इन ऐसे एक्टर्स लेने तो फिर ऐसा ड्रामा बना. और ये एक्टर को आपने एक नई जान दे दी, उससे बढ़ के उसको और क्या चाहिए कि मुझे इतना अच्छा रोल मिल गया. एंड नाउ इज डूइंग मूवीज एंड ही इज सो मच हैप्पियर. तो मुझे तो आई एम सो हैप्पी फॉर, मुझे बड़ी खुशी हुई. ऐसे अल्लाह करे और बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं उनको चांस मिले ऐसा, कि ऐसे ड्रामे उनके लिए बने कि वो भी कहें कि यार उफ मजा आ गया. तो 10 चिनार खान. We'll miss चनार खान. मैं उसे मैसेज भी नहीं बोलती, मैं उसे मैसेज भी कर रही, मैं कहाँ तो चलो सी यू चनार खान.